Number of ways in which 7 green bottles and 8 blue bottles can be arranged in a row if exactly one pair of green bottles is side by side, assuming all bottles to be alike except for the color. तो हमें क्या given है? हमें given है number of ways in which 7 green bottles and 8 blue bottles can be arranged. और हमें given है if exactly one pair of green bottles is side by side. तो means हमें given है कि दो bottle हमारे पास में ऐसे side by side हैं. उसके अलावा बाकी की सारी बॉटल्स डिफरेंट होंगी, ठीक है, और सब डिफरेंट होंगी. तो और कितनी बॉटल्स बची हमारे पास में अगर हम देखेंगे यहाँ से, तो हमारे पास में टोटल 8 कितनी है, सॉरी कितनी 7 ग्रीन बॉटल्स है हमारे पास में, ठीक है. तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, दो ही हो गई, उसके अलावा 5 बॉटल्स ऐसे हो गई, ठीक है. तो मीन्स अगर हम देखेंगे तो ये जो 6 ग्रीन बॉटल्स है हमारे पास में क्या हो जाएगी, सी वैसे 7 है लेकिन ये बॉक्स बनकर केवल एक ग्रीन बॉटल की तरह हो गई. तो अगर हम देखेंगे तो ग्रीन बॉटल्स के लिए हमारे पास में कितनी प्लेसेस हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. एंड सिमिलरली ब्लू बॉटल्स के लिए हमारे पास में कितने स्पेसेस हैं, 8 स्पेस है, ठीक है. अब ये जो 6 हमारी क्या बोलते हैं प्लेसेस हैं, इन्हें हम कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, सी इनमें 5 बॉटल्स तो एक टाइप की है और ये जो एक हमारी स्पेसिफिक बॉक्स बॉटल है ये डिफरेंट टाइप की है. तो इन 6 बॉटल्स को हम कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, 6 factorial by 5 factorial वेज में. तो ग्रीन बॉल्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं कितने वेज में, 6 factorial upon 5 factorial वेज में. नाउ अब हम बात करते हैं ब्लू बॉटल्स की. तो ब्लू बॉटल्स को हम क्या करेंगे, सी अगर यहाँ पे हमारी ग्रीन बॉटल्स हैं तो ऑब्वियसली इनके बीच में एक एक हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ब्लू बॉटल्स तो होनी चाहिए. तो मीन्स इस तरीके से हमारी 5 ब्लू बॉटल्स तो होंगी ही, सही, ओके. अब हमारे पास में क्या है, 3 ब्लू बॉटल्स अभी भी बची हुई हैं, ओके. तो अब 3 ब्लू बॉटल्स अगर हमारे पास में बची हुई हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उन कितनी प्लेसेस हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 में से कोई सी भी हम 3 प्लेसेस पे क्या कर सकते हैं, हम उन 3 बॉटल्स को पुट कर सकते हैं. तो आ जाएगा 6C3. ये हमने क्या करा है, ब्लू बॉटल्स को पुट करने के वेज हो गए, क्योंकि सी यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकती हैं हमारे पास में. एक्चुअली में 6 नहीं और 7 प्लेसेस होंगी, सॉरी माय फॉल्ट, कितनी प्लेसेस होंगी, 7, क्योंकि सी 5 तो हमारे बीच में और एंड पे, तो आएगा 7C3, ओके 7C3. और इसे हम कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, 6 वेज में, तो आएगा 7C3 × 6, ओके. तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, 7C3 की वैल्यू कहती है 7 × 6 × 5 × 4 upon 3 factorial is 6 और इंटू में आ जाएगा 6. तो 6 से 6 कैंसिल आउट, ये क्या लिखा हुआ है, 5 × 4 is 20, 20 × 6 is 120 एंड 120 × 7 is 840. तो 840 वेज में हम इसे रीअरेंज कर सकते हैं. नंबर ऑफ वेज इन विच 7 ग्रीन बॉटल्स एंड 8 ब्लू बॉटल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ रो इफ एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल्स इज साइड बाय साइड. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे हमारे पास में कितनी ग्रीन बॉटल्स हैं, 7 ग्रीन बॉटल्स हैं. तो ग्रीन बॉटल्स को हम ड्रॉ करते हैं ग्रीन कलर से. तो हमारे पास में फर्स्ट बॉटल, सेकेंड बॉटल, थर्ड बॉटल, फोर्थ बॉटल, फिफ्थ, 6th and 7th बॉटल. अब ये सारी सेम है, अलाइक है ना. तो हमने इन वगैरह फर्स्ट और सेकंड बॉटल को एक बॉक्स में बंद कर दिया, क्योंकि हमें गिवन है कि एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल्स इज साइड बाय साइड, ठीक है. अब हमारे पास में कितनी ब्लू बॉटल्स हैं, तो ब्लू बॉटल्स हमारे पास में कितनी है, 8. तो आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हमारे पास में 8 ब्लू बॉटल्स हो गई. अब अगर हम देखेंगे, हमें गिवन है कि क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 बॉटल्स साथ में होनी चाहिए, उसके अलावा और भी कोई भी ग्रीन बॉटल्स साथ में नहीं होनी चाहिए. तो मीन्स अगर हम देखेंगे तो ग्रीन बॉटल्स क्या होगी, इधर यहाँ पे आ सकती हैं, यहाँ हो 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 सकती हैं और यहाँ हो सकती हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा फिगर हो सकता है, ओके. तो ग्रीन बॉटल्स के पास में अगर हम देखेंगे तो कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास में, ग्रीन बॉटल्स के पास में 9 चॉइसेस हैं. अब सी टोटल कितनी ग्रीन बॉटल्स हैं, टोटल हमारे पास में 5 सेम ग्रीन बॉटल्स हैं और 1 पेयर ऑफ ग्रीन बॉटल्स हैं. तो मीन्स टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में ओवरऑल, और जिनमें से 5 क्या हैं, सेम है और एक डिफरेंट है, ठीक है. तो अब 9 में से मैंने कोई सी भी 6 प्लेसेस चूज कर लूंगा जहाँ पे हमारी ग्रीन बॉटल्स चली जाएंगी, क्योंकि इन्हीं में से कहीं किसी प्लेसेस पर हमारी ग्रीन बॉटल्स होंगी, क्योंकि ताकि और ज़्यादा से मतलब एक ही पेयर हो हमारा अलाइक बॉटल्स का, ठीक है. लेकिन अब अगेन अगर हम देखेंगे तो इन 6 बॉटल्स में सारी सेम नहीं है, तो जो हमने 6 प्लेस चूज करी है उन्हें हम कितने वेज में रीअरेंज कर सकते हैं, उसे हम रीअरेंज कर सकते हैं 6 factorial upon 5 factorial वेज में. अब इसे सॉल्व करते हैं तो 9 से 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 into
8 into 7 upon 3 factorial is 6 और into में आएगा 6 factorial upon 5 factorial. जैसे divide करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 6, नीचे भी आ जाएगा only 6. अब 9 into 8 कितना होता है? It is 72 and 72 into 7 कितना हो जाएगा? 504. तो हमारे पास में total जो ways है वो कितना आ गए? 504 ways. Okay. So this is the answer for this question.